मेला ठेकेदारा का शिवहरे ने फर्जी दस्तावेज लगा कर लिए मेले की अनुमति। अवैध वसूली के आरोप ठेका निरस्त करने की मांग। शिवपुरी के सिद्धेश्वर पर मेला संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदारा का शर्मा ने फर्जी दस्तावेज लगाकर मेले का ठेका लिया। आज कलेक्टर को आवेदन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत करते हुए बताया कि मेला ठेकेदारा का शर्मा द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर मेले की अनुमति ली गई है। साथ ही रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। साथ ही कार्यवाही करने एवं अनुमति निरस्त करने की मांग की है। 16 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक की मेले की अनुमति प्रदान की गई है। ठेकेदार भागचंदा शिवहरे द्वारा शासन के नियमों के विपरीत ब्लैक लिस्टेड होने पर अपने भाई आकाश शिवहरे के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाकर नगर पालिका से मेले की अनुमति ली है। मेले के दुकानदारों ने मनमर्जी से अधिक राशि लेकर दुकानें आवंटित की जा रही है। ठेकेदार द्वारा विद्युत ठेके में भी फर्जी दस्तावेज लगाकर झूले और लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। मेरे का ठेका इस बार कम में गया है और शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में दोनों भाइयों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने एवं मेले की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। आज नगर पालिका पे आयो सर आप, और ये सिद्धेश्वर मेले को लेकर आपने एक शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ मामला है सर? ये नगर पालिका ने सिद्धेश्वर मेला हर साल लगाती है, इस बार लगाया तो जो ठेकेदार ने क्या किया, जो ठेका इस बार जो लिया वो आकाश शिवरे के नाम से लिया है, उसको चला रहा है पिछला वाला जो ठेकेदार जिसको ब्लैक लिस्टेड किया था उसने, और वो क्या कर रहा है वहाँ जो मेले के बाहर जो दुकानदार ठेले लगा रहे हैं, जो फुकने वगैरह बेच रहा है, गुब्बारे वगैरह बेच रहे हैं, उनसे अवैध वसूली कर रहा है, किसी से 150 किसी से 200। कल रात में एक आदमी मेरे पास आया शिकायत करने, गोलू कुशवा नाम से, और उसने मुझसे शिकायत की, तो उसने जैसे ही मुझसे शिकायत की और मेरे जाने के बाद उसने उसकी मारपीट कर दी, जिसकी एक NCR जिगल थाने में कराई गई है रात में। वो अभी मेरे पास भी अभी आ रहा है, और ये ठेकेदार जो अवैध वसूली कर रहा है इसको बंद किया जाए, इस पर अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज किया जाए नगर पालिका की ओर से। तो क्या जो जो ठेकेदार है वो ब्लैक लिस्टेड है पहले से ही? पिछली बार जो ब्लैक लिस्टेड हुआ इसने दूसरी फर्म के नाम से ठेका ले लिया और संचालित वही कर रहा है। अच्छा, वही कर रहा है। तो अब आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जो चाहते हैं शहर की जनता को, आम जनता को लाभ मिलना चाहिए, या 10 रुपए की चीज 20 में मिल रही है, 20 की चीज 40 में मिल रही है, आदमी मेला मनोरंजन घूमने के लिए जाता है, तो जो ठेकेदार लूटेगा तो जनता वो दुकानदार आम पब्लिक को लूटेंगे। CMO साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में? CMO साहब अभी बाहर है, मेरी बात हुई है, मैं संबंधित अधिकारी जो प्रभारी उससे बात कर रहा हूँ अभी, और अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसमें बहुत आगे चल के बहुत आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं, 8 लाख रुपए अलग से दिए हैं। किसको दिए? अब किसी को दिए उसने ठेकेदार ने, ये कागजों में भी हेरा फेरी करके है ना, पिछले बार का अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया गलत तरीके से, छतरपुर का, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा निकाली गई है, और इसमें अब कार्रवाई चाहते हैं। 468 का मुकदमा दर्ज भी इसमें कराएंगे हम, जो जिसने कागजों में लगाई है। क्या नाम है आपका? टिंकल रजत। टिंकल जी, आपने आवेदन दिया है मेले के संबंध में, क्या आवेदन है, क्यों दिया है आवेदन? मेले में सब कुछ अवैध तरीके से काम हो रहा है, जैसे पार्किंग की सिद्धेश्वर पर कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ आदमी अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी करवा रहे ठेकेदार, और क्या जो कागज लगाए गए हैं वो फर्जी ID है, उस पर जो पहले श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज के नाम से कागज है उसको नाम बदलकर शिवहरे इंटरप्राइजेज किया गया, जो गलत तरीके का कागज है जो मान्य किया गया नगर पालिका इससे पहले 2000। आपने इसकी शिकायत CMO और इन संबंधित अधिकारियों को की क्या? हाँ, मैंने SP साहब से, कलेक्टर साहब से, SDM साहब से और नगर पालिका सभी को मैं आवेदन दे चुका हूँ इस चीज़ का। ये मेला अवैध रूप से पहले भी संचालित, लगातार संचालित हो रहा है? हाँ, हर साल, और पिछली बार जो झालचंद शिवरे हैं उनने ब्लैक लिस्ट में है, जो आज उनने टेंडर लिया उनके छोटे भाई के नाम से। ये अगर इस मेले पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सर। जितेंद्र जी, मेले को लेके लगातार आप शिकायत कर रहे हैं, क्या मामला है? बातचीत से लेकर एक भाई ने लगाया है मेला, उसने मुझे बुलाया भी था, लेकिन उसने मुझसे परसेंटेज से दुकान लगाने की बोला। पिछली बार ही उसने कहा था कि मैं तुमसे पैसे ले लूँगा, लेकिन उसने परसेंटेज के पैसे रख के मेरी दुकान के पैसे नहीं दिए, और वसूली वाला घाटे में मैं चला गया था, इस कारण दोबारा उसने मुझे बुलाया इस बार मेले में, तो उसने कही परसेंटेज ही ले गई। मैंने परसेंटेज से नहीं, आपका रेट बताओ, जो नगर पालिका ने रेट निकाली जो निर्धारित रेट के अनुसार वो कोई पेमेंट लेके लगाने को तैयार नहीं, अनुसार कोई पैसा नहीं ले रहा, केवल बोल रहा है, कोई रसीद नहीं दे रहा, कोई रसीद नहीं दे रहा। क्या नाम है आप? दिलीप जैन। दिलीप जैन जी, ये मेले को संबंधित आपने शिकायत करी है, क्या शिकायत है? मेले में संबंधित जो भी दस्तावेज लगाए हुए हैं वो, एक तो छतरपुर का इसमें एग्रीमेंट लगाया हुआ है मेले का, जिसका टेंडर भागचंद शिवारे कृष्णा इंटरप्राइजेस के नाम से था, उसका नाम चेंज करके शिवारे इंटरप्राइजेस लगा दिया गया है। दूसरा, ये मेला पिछली साल 43,30,000 रुपये का गया था, इस साल
36,30,000 रुपए का है। इसमें दो टेंडर डाले हुए थे, शासन को इसमें लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। बिल्कुल, पिछले साल की तुलना में इस साल मेला कम में गया है। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो कि अगर ये मान लीजिए आप लोग जो शिकायत कर रहे हैं, ये शिकायत पे अमल नहीं करते हैं अधिकारी, लगातार आप लोग शिकायतें कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें कोर्ट में भी जाएंगे? बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। कोई सभी दुकानदार भाई भी परेशान है, लोकल में हम लोगों को दुकान भी नहीं है वहाँ की। मैं आपका सीताराम शर्मा। सीताराम शर्मा जी, इस बार मेले में आपने दुकान नहीं लगाई, लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं, क्या क्या समस्या आई? मेदार द्वारा दुकान नहीं दी गई मुझको, मुझसे 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं इतने पैसे दे पाऊंगा। नियमानुसार कितने पैसे जमा देने चाहिए? नगरपालिका ने पहले ही खत्म कर दी उसके लेन देन के चक्कर में। तो इसकी आपने शिकायत करी संबंधित? करी ना, एसडीएम को, एसीएमओ को, कलेक्टर साहब को, सबको पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अगर इसका ये कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए खिलाफ कोर्ट में जाएंगे आप लोग।